आपने सर्वप्रथम उत्तराखंड की सहायता के लिए और केदारपुरी के पुनर्निर्माण के लिए आप आगे आए थे, आपने हाथ बढ़ाया था। डॉक्टर हरक सिंह रावत जी एवं श्री यतीश्वर आनंद जी से गुजारिश करूंगी कि वे ब्रह्म कमल का फ्रेम माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। डॉक्टर धन सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वे शॉल देकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मैं प्रधानमंत्री जी की गरिमा में एक बार जोरदार तालियां। मैं प्रधानमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री एक बार जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंचासीन संत महात्माओं को शॉल देकर उनका स्वागत करें। वास्तव में बहुत ही खुशी का पल है जब हमारे बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां। गरिमामय उपस्थिति है निरंजनी अखाड़ा से महंत कैलाशानंद जी महाराज जो कि आचार्य हैं महामंडलेश्वर से, अवंतिकानंद ब्रह्मचारी महाराज जो कि सचिव हैं, आनंद अखाड़े से बालकानंद गिरी जी महाराज जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, परमार्थ निकेतन से श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जो अध्यक्ष हैं, और केदार सभा से श्री विनोद शुक्ला जी। अब मंचासीन महानुभावों का मैं डॉक्टर कंचन नेगी तहे दिल से आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों पर चलकर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास की बागडोर है। धामी जय बाबा केदार। शंकराचार्य पहुंचे जहां से शिव के धाम, केदार के इस धाम को मेरा बारंबार प्रणाम। मंच पर उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एवं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, क्षेत्र के माननीय सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी आदरणीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी आचार्यगण, कार्यक्रम में उपस्थित महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा, स्वामी कैलाशानंद जी, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद जी गिरिजी महाराज, स्वामी चिदानंद जी महाराज, हमारे केदार सभा के अध्यक्ष आदरणीय विनोद शुक्ला जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी तीर्थ पुरोहित, केदार सभा के सभी सदस्य हक हकूक धारी रावल, देश भर के विभिन्न ज्योतिर्लिंग, गुजरात के मुख्यमंत्री थे आपने सर्वप्रथम उत्तराखंड की सहायता के लिए और केदारपुरी के पुनर्निर्माण के लिए आप आगे आए थे, आपने हाथ बढ़ाया था। कहा जाता है कि भगवान को भक्त से अधिक कोई प्रिय नहीं होता है। यह भगवान शिव का ही आशीर्वाद है कि उन्होंने अपने परम भक्त को अपने धाम के पुनर्निर्माण के कार्य के लिए चुना है।